हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव। तो आज हम लोग एरर बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम किसी क्वेश्चन में एरर को फाइंड करते हैं ये आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑमिशन को बनाना सीखा था। अगर आपको ऑमिशन बनाना नहीं आता है और आपने अगर नहीं देखा हुआ होगा ऑमिशन का वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप जाके ऑमिशन के वीडियो को देख सकते हैं। और एरर बनाने के लिए हमें कुछ जनरल रूल्स को याद करना होगा, तो हम यहाँ पे पहले आप लोगों को कुछ जनरल रूल्स को बताएंगे और इसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो रूल नंबर वन है, नो सूनर के बाद डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन लगता है या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री लगता है। यानी कि नो सूनर के बाद डीड या हैड का यूज होगा ही, अगर डीड और हैड नहीं रहे तो समझना है आप लोग को वहीं पर मेरा एरर है। और इन दोनों सेंटेंस के बाद हम लोग का देन का भी प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल लिए हुए हैं, नो सूनर डीड आई, तो यहाँ पे हम देखें नो सूनर के बाद डीड आ गया और डीड के बाद सब्जेक्ट के साथ भी वन का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ भी वन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ तक कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद हम लोग का देन लगना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखें यहाँ पे वेन का प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा एरर है। यहाँ पे वेन के जगह पे हम लोग का देन होना चाहिए। तो ये पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल को हम लोग देखते हैं। सेकेंड रूल है अनटिल या फिर अनलेस। तो अनटिल और अनलेस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है और इसमें कभी भी नो, नॉट या नेवर का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अनटिल या फिर अनलेस ये ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं अनलेस के बाद डोंट यानी कि नॉट का यूज हुआ है, जो कि ये एक एरर बताता है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि अनलेस के बाद नॉट का यूज नहीं होता है, तो ये हमारा एरर हो गया, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रूल आगे आते हैं, रूल नंबर 3A। इसमें लिखा गया है कि दो लोगों के बीच, दो लोग हो, दो थिंग्स हो, तो उसके लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। दो से ज़्यादा रहेगा, दो से ज़्यादा डेट मीन्स 3, 4 कितना भी, तो उसके लिए हम लोग अमोंग का यूज करते हैं। और वोवेल लेटर, वोवेल लेटर क्या हो गया, AEIOU, इसके लिए हम लोग अमोंगस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखे हुए हैं आस हो गया, आवर हो गया, तो इसके लिए हम लोग अमोंगस्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है सेवरल ग्रेट बैटल्स टू प्लेस एमोंग द ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स। यहाँ पे ब्रिटिश और अमेरिकन्स दो लोगों का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग का एमोंग लगा दिया गया है, यानी कि ये एरर है। इसके जगह पे हम लोग का बिटवीन लगेगा, तो ये हमारा एरर हो गया, यहाँ पे बिटवीन होगा। अब आगे आते हैं रूल्स नंबर 3B में। इस रूल में हम लोग को टू के बाद भी वन लगना चाहिए। ठीक है, टू जब भी रहे तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि टू के बाद भी वन का यूज होता है। एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू बॉट ए कार, यहाँ पे टू लग गया, टू के बाद भी वन लगना चाहिए, जबकि ये भी वन नहीं है, तो यहाँ पे बाई होगा, इसके जगह पे हम लोग बाई का यूज करेंगे। तो ये हो गया रूल नंबर 3B। आगे है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है मॉडल्स के साथ भी वन का यूज होगा। मॉडल्स क्या हो गया, जैसे कैन, विल, सेल, ये सब मॉडल है, तो इनके बाद भी वन का ही यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल है जैसे आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, तो यहाँ पे कैन है, कैन क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद यहाँ पे भी थ्री आ गया, जबकि यहाँ पे लिव होना चाहिए, भी वन होना चाहिए, तो ये हमारा एरर हो गया और इसके जगह पे हम लोग LIVE का यूज करेंगे, लिव। आगे आते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है वाइल के साथ भी वन और ING का यूज होना चाहिए। वाइल रहेगा तो इसके बाद भी वन होगा और भी वन के बाद ING होगा। जैसे एग्जाम्पल है द फोन रैंग वाइल आई वॉज वॉच्ड TV, तो यहाँ पे वाइल आ गया, वाइल के बाद भर्ब आया, तो भर्ब में यहाँ पे मेरा V2 या V3 है, तो जबकि मेरा लगना चाहिए था V1 के साथ ING, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो ये हमारा एरर हो जाएगा और इसके जगह पे हम लोग वॉचिंग लिखेंगे। ठीक है, आगे है रूल नंबर 6। Is, am, are, was, where या फिर will be, shall be, किसी सेंटेंस में हम लोग अगर ये मिलता है, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो हम लोग V1 के साथ ING का प्रयोग करेंगे, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो वहां पे हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अब हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो जनरली क्या होता है, पैसिव वॉइस में बाई का यूज होता है, तो जब भी बाई रहे किसी सेंटेंस में तो आप लोग को समझ लेना है कि वो पैसिव वॉइस में है। वैसे सारे सेंटेंस में नहीं होता है, बट मैक्सिमम सेंटेंस में बाई का यूज होता है। तो जैसे एग्जाम्पल है द लेटर वॉज राइटिंग बाई मी, तो यहाँ पे ING आया,
ठीक है, आईएनजी है, आईएनजी रहता तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस होना चाहिए, जबकि ये पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे बाई का यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये यहाँ पे एरर है, इसमें मेरा V3 लगेगा यानी कि रिटेन होगा। नेक्स्ट रूल हम लोग आगे आते हैं, रूल नंबर 7 जो कि आर्टिकल से है, ए एन द। ए का यूज हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के लिए करते हैं, एन का वॉवल साउंड के लिए, और द का किसी स्पेशल थिंग के लिए, ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए होंगे। जैसे एग्जाम्पल है, आई एट एन एप्पल यस्टरडे, और सेकेंड है द एप्पल वॉज जूसी एंड डिलीशियस। अब इसमें एप्पल के पहले हम एन का यूज किए हुए हैं, इसमें एप्पल के पहले द का यूज किए हुए हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो एप्पल है ये काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले हम लोग एन का यूज करेंगे, और अगर अनकाउंटेबल रहे तो उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रूल नंबर 8 में, कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्टिंग पास्ट से हो रहा हो तो एंडिंग भी पास्ट से होगा। जैसे एग्जाम्पल, सी प्लेड द पाइनो वेन सी इज ए चाइल्ड। अब इस क्वेश्चन में देखें तो ये हमारा पास्ट है जबकि ये हमारा प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पे अगर पास्ट से शुरू हुआ तो ये भी पास्ट होना चाहिए, इसमें इज के जगह वाज होगा, तो ये हमारा एरर हो गया। अब नेक्स्ट रूल आगे आते हैं रूल नंबर 9 में, रूल नंबर 9 है डिड के साथ V1 का यूज होता है। अब इस सेंटेंस में अगर देखें एग्जाम्पल में, तो आई डिड नॉट वेंट टू कॉलेज, तो यहाँ पे डिड के बाद वेंट यानी कि V2 या V3 का यूज हुआ है, तो ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है, यहाँ पे V1 लगना चाहिए। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, यहाँ पे V1 लगेगा, गो हो जाएगा। उसके बाद नंबर 10 है, एवरीबडी समबडी नोबडी एनीबडी एवरीवन समवन नोवन या फिर एनीवन, तो इन सब के बाद सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, एवरीवन हैव डन हिज होमवर्क। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एवरीवन है तो एवरीवन मिल गया, एवरीवन के साथ हम लोग का सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, जबकि यहाँ पे हैव लग गया है, ये प्लूरल वर्ब है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा एरर है, इसके जगह पे हम लोग हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल आगे आते हैं रूल नंबर 11 में, रूल नंबर 11 है V1 के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब क्या हो गया, जैसे आई वी यू दे, उसके बाद अगर V1 प्लस एस या ES रहे तो इसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जैसे ही सी इट या फिर किसी का नाम हो गया। अब एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जैसे सी गो टू मार्केट। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब है, अब इसके साथ एस या ES लगना चाहिए था जबकि यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा एरर हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा गोज, तो ये हमारा करेक्शन हो जाएगा गोज। आगे है रूल नंबर 12 जो कि ये आखिरी रूल है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर एंड के पहले V1 है तो एंड के बाद भी V1 होगा, और अगर एंड के पहले वर्ब 2 हो तो एंड के बाद भी V2 यानी वर्ब 2 ही होगा, अगर एंड के पहले वर्ब 1 प्लस ING हो तो एंड के बाद भी वर्ब 1 प्लस ING होगा। जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिए हुए हैं, आई प्लेड एंड वॉच TV। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो V3 है जबकि यहाँ पे V1 है, तो जो कि ये गलत है, इसमें वॉचड होगा, आई प्लेड एंड वॉचड TV, तो ये हमारा एरर हो गया। तो ये 12 रूल है, अगर ये आप 12 रूल याद कर लेते हैं तो आप कोई भी एरर को बहुत ही इजीली 10 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर बना सकते हैं। हम क्वेश्चंस को अब बना के देखते हैं। तो एरर का अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन है, दे आर थॉट बाई मैन टू बींग इवन मोर साइंटिफिकली। तो जो रूल मैंने आप लोग को बताया है, अगर आपने उस रूल को लिखा हुआ होगा तो आप उस रूल को देखिए, आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में नहीं 5 सेकंड में आप लोग बना लेंगे। आप लोग रूल नंबर 3A देखे, 3A में मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि 2 के बाद ING का प्रयोग नहीं होता है, 2 के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन में ING लग गया, यहाँ पे V1 होना चाहिए, तो ये हमारा एरर हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा एरर हो गया ए नंबर का। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं इंटेलिजेंट देन मी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इंटेलिजेंट देन मी नहीं होता है, देन मी होता है, ठीक है। तो कुछ एरर ऐसे भी होते हैं जो कि बिना रूल्स फॉलो किए भी हम लोग बना सकते हैं, देन के जगह पे हम लोग यहाँ पे बी नंबर में देन का यूज करेंगे। इसके बाद है इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दे हैड सोड ग्रेट। अब यहाँ पे देखे हैड के बाद सोड नहीं होगा, हैड के बाद हम लोग सोन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से हम लोग का ये हमारा एरर हो जाएगा और इसके जगह पे हम लोग सोन इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद आगे है ग्रेट स्किल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे हम लोग देखे ग्रेट स्किल फॉर
फॉर नहीं होगा, फॉर के जगह पे हम लोग इन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो स्किल के बाद हम लोग यहाँ पे इन लिखेंगे, तो ये हमारा एरर हो जाएगा, इसके जगह पे इन होगा। तो इस तरह से हम लोग एरर के क्वेश्चंस को बनाते हैं। जो भी रूल्स मैंने आप लोग को दिया है वो सारे रूल्स आप लोग को याद रख कर ले, उसके बाद प्रीपोजिशन को आप अच्छे से तैयारी करें, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग आराम से इजिली बना सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ, ताकि आपको और अच्छे से मैं आप लोग को समझा पाऊँ। थैंक यू।